उसमें एक रोड है जो कि टीवी टावर की तरफ जाती है, जो रास्ता जाता है उसकी तरफ पुलिस को गश्ती के दौरान उसने एक व्यक्ति तेजा टोला के रहने वाले मंगल कुमार को गिरफ्तार किया है। 9 हरे रंग के खैनी के पैकेट में लगभग 250 ग्राम गांजा भर के जेल की तरफ फेंकने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय हमारी गश्ती टीम पहुंचती है सूचना पे और उनको गिरफ्तार करती है। विधिवत गिरफ्तार करके NDP के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कुछ फ़ोन नंबर्स उसने दिया है जिसके आधार पर उसने बताया कि इस फ़ोन से हम लोगों को फ़ोन आता था और हम लोग इस तरह से फेंकते थे, फिर हम लोगों को पैसे का पेमेंट जो है कोई उनके पास आके दे जाता था। जेल से नशा का कनेक्शन का मामला लिया गया है, क्या है प्रॉब्लम का? जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडल कारा जो कि सहायक थाना अंतर्गत स्थित है, उसमें एक रोड है जो कि टीवी टावर की तरफ जाती है, जो रास्ता जाता है उसकी तरफ पुलिस को गश्ती के दौरान उसने एक व्यक्ति तेजा टोला के रहने वाले मंगल कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा उस समय 9 हरे रंग के खैनी के पैकेट में लगभग 250 ग्राम गांजा भर के जेल की तरफ फेंकने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय हमारी गश्ती टीम पहुंचती है सूचना पे और उनको गिरफ्तार करती है। विधिवत गिरफ्तार करके NDP के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, क्या आया है पूछताछ में, किन के लिए फेंक रहा था या इस तरह की बातें हैं? कुछ फ़ोन नंबर्स उसने दिया है जिसके आधार पर उसने बताया कि इस फ़ोन से हम लोगों को फ़ोन आता था और हम लोग इस तरह से फेंकते थे, फिर हम लोगों को पैसे का पेमेंट जो है कोई उनके पास आके दे जाता था। तो वो सारे जो फ़ोन नंबर्स मिले हैं अभी हम उतना डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अंदर से मंगा रहा था और जो भी लाइजनिंग कर रहा था उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जेल में नशा की सप्लाई कितना बड़ा चुनौती है, कितनी बड़ी बात है? अजी, ये चुनौती का मामला तो है क्योंकि जेल प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों के द्वारा जो भी कार्रवाई करनी चाहिए और जेल प्रशासन से भी हम लोगों की बात हुई है, उन लोगों की तरफ भी भरोसा दिलाया गया है कि वो लोग भी अंदर से जो कार्रवाई करनी चाहिए जेल के अंदर रहते हुए वो लोग भी कर रहे हैं और हम लोग भी बाहर के जो नेटवर्क इसमें काम लगा हुआ है उस पर जितनी भी तकनीकी साक्ष्य जुटा के हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।